और आज हम लोग जा रहे हैं पूरी। तो मम्मी क्या कुछ कहो? हाँ, आज हम लोग पूरी की यात्रा पर निकले हैं। तो सुबह आज हम लोग 6 बजे निकले, देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 15-16 घंटा तो जाने में ही लग जाएगा। और ये रही बुआ, आइए। ये रही बुआ, हम लोग सब एडजस्ट करके जा रहे हैं, एडजस्ट करके बैठे हैं और जा रहे हैं जगन्नाथपुरी। अभी हम लोग पेट्रोल पंप पे रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए गाड़ी में। ये रही गाड़ी, इससे हम लोग जा रहे हैं। आज का पूरा दिन तो हमारा जाने में ही लग जाएगा। और जब दूसरे दिन कल हम लोग बीच और कोणार्क टेम्पल और बाकी सब जगह जाएंगे। और फिर शायद कल मंदिर बंद रहता है सैटरडे संडे को, तो मंडे को हम लोग जाएंगे जगन्नाथ टेम्पल। दादी आइए, आप आए नहीं मेरे वीडियो में, आइए। दादी भी चल रही है हम लोग के साथ। ये रही दादी। फोटो ले लेते हैं। बेटो अब मेरा भी हटा के, मतलब हटा ही नहीं देना, याद रख। तो ऐसे करके वीडियो लेंगे। देखो कितना अच्छा है रे। चलो आगे। అంజనీ हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम लोग आए हैं पूरी ट्रिप पे। पहला दिन हमारा सिर्फ जर्नी में ही बीत गया और आज दूसरा दिन है। और नहा धो के फ्रेश हो के हम लोग सबसे पहले आए हैं कोणार्क सन टेंपल, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे है। इसके बाद ये कोणार्क का जो कंपाउंड है, इसके अंदर ही म्यूजियम और भी बहुत सारी घूमने की जगह है। तो हर जगह हम लोग जाएंगे, फिर हो सकता है एक बीच पे जाएं और कल हम लोग जाके जगन्नाथपुरी का दर्शन करेंगे। आज सन टेंपल एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कैसा रहता है। Thank you.
चक्र वा, उधर वाला चक्र जो है उधर खाली है, वहाँ फोटो अच्छा है। दादी हाँ वो तो हमारे ये जो सेंट टेम्पल है इसके पास ही ये एक अलग सा कुछ बना हुआ है और यहाँ पे बैठने का भी स्पेस दिया हुआ है। ये देखिए गार्डन है, यहाँ पे मेरी फैमिली बैठी हुई है, मैं भी जा रही हूँ बैठने क्योंकि पैर में दर्द हो गया। और ये है सन टेम्पल, यहाँ पे मेनली ज़्यादा भीड़ है, लोग फ़ोटो वीडियो खिंचवा रहे हैं और यहाँ पे बैठने का स्पेस है, इधर आप बैठ के थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। मंदिर घूम चुके हैं और जैसा कि यहाँ पे नाम है कि सन टेम्पल, बट ये एक्चुअल में कोई टेम्पल नहीं है। यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पे ऊपर जाना मना है, तो सिर्फ आप तो ये बस फोटो लेने के लिए और एक आर्कियोलॉजिकल जो कह सकते हैं कि सन टेम्पल वैसा नाम है, यहाँ कोई पूजा ये सब नहीं होता। और ये जो पूरी मंदिर है ये रथ के शेप में है, तो ये बहुत सारे आपको व्यूज दिख रहे होंगे। और आगे में जो है 7 हॉर्सेज भी है जिसमें से कुछ कुछ हॉर्स ब्रेक कर रहे हैं, अभी दो तीन ही हॉर्स बचे हैं। और वहाँ जो मेन एंट्रेंस है वहाँ पे मेनली ज़्यादा सब लोग फोटो वीडियोज ले रहे हैं, वहाँ पे शायद कुछ इवेंट होता होगा। और ये जो है ये है मेन टेंपल, टेंपल में अंदर कोई भगवान या ये सब नहीं है, कोई आइडल नहीं है जिनकी आप मूर्ति देख सके, बट ओवरऑल जो टेंपल का आर्किटेक्चर है वही देखने लायक है। तो ये जो कोणार्क सन टेम्पल है ये हम लोग रुके हैं जगन्नाथ पुरी जो मंदिर है धाम उसके पास में, तो वहाँ से ये जो टेम्पल है वो 1 आवर के डिस्टेंस पे है। तो आप सुबह सुबह ही यहाँ पे आए, लोग ऊपर चढ़ गए कर रहे हैं, तो इस टेम्पल को अपने लिस्ट में जरूर रखिए क्योंकि ओवरऑल देखने में और फोटोज वीडियोज लेने में ये बहुत अच्छा है, ये फेमस जगह है कोणार्क, तो आप यहाँ पे एक बार जरूर मेनली ना और कोई ज्यादा जगह है नहीं यहाँ पे, बीच और ये सन टेम्पल यही दो ज्यादा है ना, बोला फिर समझ गया कि इसको पता नहीं। जोर से बोलो, ये घड़ी के डायल की तरह काम करता है, तो ये जो दो बड़े पिलर्स हैं इसके बीच में 3 घंटे का डिफरेंस है, जैसे ये 12 ये 3 है और सेंटर वाला जो है उसमें हाफ हो गया यानी वो 1.5 है, तो ये 1.5 घंटे का दीजिए। और नीचे जो आपको बॉल्स दिख रहे हैं हर बॉल पे, ये आपको यहाँ से वहाँ तक आपको टोटल 60 बॉल्स मिलेगा यानी 180 मिनट्स। इसका फायदा करने का बाद में नीचे ऑफरी जाल के हीट रहा है आंखी शक्ति के लिए। तो इसके बारे में बता दीजिए, हमको तो लग रहा है नर्सिंग बता रहा है। कितना सिखाओ अपने दोस्तों, ये मम्मी के लिए रहिए तो बहुत मजा आ जाएगा। ये भारत के शास्त्रीय नृत्यों का उत्सव है। इसके अलावा चंद्रभागा मेला हर साल फरवरी में कला और शिल्प के साथ इसी में खींच दे रहे अपने।
राइट की तरफ।